गाइस वेलकम टू द न्यू व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल, आर चैनल। हाय कर दो। आज का ये व्लॉग होने वाला है ट्रैवल व्लॉग। मैं मुंबई से, मेरी फैमिली, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी शिव जा रहे हैं गांव इनके दादा दादी को सरप्राइज देने के लिए। हम लोग ऐसा कुछ प्लान नहीं था जाएंगे, मैंने सोचा था कि थोड़ा सा एक सरप्राइज दूंगी। बहुत पहले सोचा था लेकिन तब टिकट कंफर्म नहीं हुआ इसलिए। वाओ, ऑन कर दो बेटा, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ बात कर लूं। हाँ, तो मैंने सोचा था सरप्राइज देंगे लेकिन उस समय नहीं हो पाया, तो फिर मैंने कहा जब टिकट मिल रहा है तभी चलते हैं यार। तो आज है 11th of July और हम निकल रहे हैं हम तीनों। घर पे किसी को नहीं पता है कि हम लोग आ रहे हैं, ये पूरी तरीके से सरप्राइज होने वाला है और इस वीडियो में आपको पता चलेगा उनका रिएक्शन। मुझे पता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे पता है कि बहुत ही अच्छा रिएक्शन होने वाला है यार। ये मिलेंगी ना, क्योंकि हमारा इतना कुछ खास क्रेज नहीं है, सारा जो क्रेज है वो अपनी नातिन का है। तो अपनी नातिन से मिलने वाले हैं इनके दादा दादी। तो चलिए मेरे साथ व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आपको भी पूरे रास्ते साथ रखते हैं। और हाँ, मैंने एक और चीज सोचा है कि अब मैं रेगुलर व्लॉग्स डालूंगी। आप बताइए ना, ठीक रहेगा ना? यार बहुत सारे लोगों को व्लॉग्स मेरे बहुत पसंद है इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं रेगुलर हो जाऊं। अभी मेरे पास बहुत पुराने, मेरे से एक साल पुराने वीडियोस मेरे पास रखे हुए हैं, लेकिन मैं फैमिली, घर, काम, इन सारी चीजों में इतना ज्यादा फंसी हूं ना कि मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाती हूँ। पर आप करेंगे और आप डालेंगे, लेट्स गो। सामान रेडी हो गया है। हाँ, बाबू भी रेडी हो गया है, ये सब सामान घर जाने वाला है। बाकी बाबू रेडी हो गया है। ओ वाव, बाबू से ज्यादा छोना कौन है? बाल। हाँ, बाल भी, कंघी भी कर लिया है। ओ माय गॉड, एक चुम्मी दे दो, एक चुम्मी, एक चुम्मी। आज ट्रेन छूटते छूटते बची, लेट होने के बावजूद और लेट हो गई, इसलिए हम लोग ट्रेन पकड़ पाए, वरना पकड़ नहीं पाते। अभी खाना खा रहा है। चटनी, आलू गोभी एंड पूरी राइस। या हाय गाइस, दिस इज द सेकेंड डे। सुबह हम उठे, थोड़ा बहुत चिप्स वगैरह खाए, नाश्ता किए, एक चाय पियो और बाकी दोबारा चाय पीना था, तब से इंतज़ार कर रहे हैं। अभी 2:30 बज गए हैं और फिर दोबारा भी सो गए थे। ट्रेन में यही होता है, सोना खूब अच्छे से होता है। और मैं और सिया भी मस्ती कर रहे हैं, अंधेरा करके मस्त में मज़ा आ रहा है। और कैसा लग रहा है सिया, तुम बता दो, तुम अपना एक्सपीरियंस बता दो ट्रेन से ट्रैवल करने का, बता दो। अच्छा ठीक है, मैं पूछती हूँ सिया, तुमको कैसा लग रहा है? जोर से बोलो, जोर से, खूब जोर से बोलना, चिल्ला के। अच्छा। अच्छा लग रहा है। अच्छा, ब्लॉग कर रही हो तुम भी, बातें बता रही हो सब? अभी भी घर पे पता नहीं चला है कि हम लोग आ रहे हैं इनके बाबा दादी को, तो अब देखते हैं कैसे क्या, क्योंकि हमारी ट्रेन लेट हो गई है, 4-5 घंटे लेट है। पहले पहुंचने वाले थे 9:30-10 बजे, अब हम पहुंचेंगे 2:30 बजे। तो देखते हैं कैसे क्या व्यवस्था होती है, अभी उसी को डीकोड करने में हम लोग लगे हुए हैं। एंड या यही है, कल का खाना फिर से खाए, हम 2 समोसा गरम गरम खाए जब सिया सो रही थी। ये शर्माती है कभी कभी, आप ही ये शर्मा रही है, वरना तो ये एक्सट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। सिया, पापा क्या पी रहे हैं? कॉफी। कॉफी? कॉफी को कोची बोल रही। पापा क्यों पी रहे हैं कोची? तुम्हें भी पीना है कोची? नहीं,
नहीं, छोटे बच्चे नहीं पीते, सिया को पता है, है ना सिया? तो कैसे कॉफी पी रहे हैं? कैसे हम कॉफी पी रहे हैं बता दो। अरे बढ़िया, कॉफी कॉफी बोतल। और पापा कैसे कॉफी पी रहे हैं? ऐसे पी रहे हैं? कैसे पी रहे हैं? मैं भी कॉफी पी लूं। थैंक यू, यू आर द बेस्ट। सिया, सिया, कितने सारे पहाड़ है ना बाहर, खेत भी है। जानती हो खेत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं सिया? फील्ड। वेरी गुड। और पहाड़ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कुछ भी। ये मैंने फिजिक्स बोल रही है। सिया, जानती हो एक टाइम था 2 साल पहले, 2 साल पहले जानती हो तुम पैदा नहीं हुए थे जब सुनो, उस समय मैं ट्रेन से जब आती थी 2 साल पहले, कहानी सुना रही हूँ मैं, तो जब 2 साल पहले जब तुम पैदा नहीं हुई थी और मैं ट्रेन से आती और जाती थी, तो मैं बहुत आराम करती थी, बहुत आराम से सोती थी, पैर फैला के, बिस्तर लगा के। मेरे बिस्तर में थोड़ा सा भी फोल्ड नहीं आता था ट्रेन में, और खूब मोबाइल देखती थी, सीरीज देखती थी, और कुछ भी डाउनलोड करके मूवी देखती थी खूब। लेकिन फिर सिया पैदा हो गई, ये पैदा हो गई, उसके बाद सारा मूवी देखना, सीरीज देखना भूल गई। अरे सोने को मिल जाए ना 2-4 घंटे तो भाई बहुत है। फोन में तो मोबाइल नहीं है, मतलब मोबाइल में तो गेम नहीं है, इतना ही चलेगा, लेकिन कवर नहीं करेगा। थैंक यू। चुम्मी दे रही है। इतना प्यार करती हो पापा से? और मम्मा से कितना प्यार करती हो? 10, सिर्फ 10% मम्मा से, 10/10, और 90% पापा से। बात नो, मम्मा से 10/10, पापा से 20/20 20/20। सिया देखो बाहर नदी, इसको हम रिवर कहते हैं, रिवर भी कहते हैं, नदी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सिया? नदी, रिवर। कैसे बोल रहा है सिया? निन्नू बोला जाता है, निन्नी या निन्नू, नुन्नू नहीं बोला जाता है। निन्नू नुन्नू ऑप्शन भी देती जिसको जो समझ में आए रख लो। फिर से बोलो सिया। निन्नी। वो चुम्मी दे रही है तुम्हें अभी। ओ मैं भी हम लोग अभी कानपुर पहुंच गए हैं, कानपुर सेंट्रल, और ये सिया की 2-2 बच्चियां हैं जो कि ट्रेन से उठाई गई हैं। तुम कैसे अपनी बच्चियों को खिलाती हो? प्यार करके दिखा दो। बच्ची 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 कैसे कर रही थी? बच्ची सो जा। तुम इतनी प्यारी कैसे हो सिया? बच्ची सो जा। हमारा जो प्लान है वो थोड़ा थोड़ा फ्लॉप होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि रात को लगभग बज जाएंगे 3:30 रात को। उठ के गेट खोलना और आधी रात को सरप्राइज देना, मतलब थोड़ा सा वो दिल के लिए भी सबके ठीक नहीं होगा। तो हम थोड़ा सा सरप्राइज बस्ट करने जा रहे हैं। ये जो है फ़ोन करके घर पे बोलने जा रहे हैं कि ये सिर्फ आ रहे हैं, हम दोनों नहीं आ रहे हैं, और तो गाड़ी आएगी ही रात में लेने के लिए, मतलब हमारे जो ड्राइवर भैया हैं उमेश भैया, वो आएंगे ही लेने के लिए। तो ठीक है,
देखते हैं अब आगे क्या होता है, फोन कीजिए आप, बोलिए, क्योंकि हर तरीके से हमने ट्राई करके देख लिया और कुछ भी सफल नहीं हो रहा है। तो ये हमारा 7th ऑप्शन था ना, 7th ऑप्शन पे ही हम आके टिक रहे हैं। चलिए कीजिए कॉल। मुझे भी रुक जाओ। बैग रख के करेंगे कॉल, साफ सफाई करने के बाद कॉल करेंगे। इनके जीवन का ये रूल है, बगैर साफ सफाई किए कोई काम नहीं करते हैं। पहले साफ सफाई, हमसे ज्यादा ये कंपार्टमेंट, हमारे कंपार्टमेंट से ज्यादा पूरे बोगी में किसी की कंपार्टमेंट इतनी साफ नहीं है जितनी हमारी साफ है, सच में। ये तो हमारा डब्बा नहीं है, पता नहीं किसका है, ऊपर वाले भैया का है। बाकी हमारा सबका सामान अंदर है, इस ये खाने का बैग बाहर है, ये जो अभी हम लोग खाए हैं वो है, और ये हमारी एक बहुत ही ज्यादा प्रेशियस सामान है। ए सामान, ए सामान क्या कर रही है सामान? जूजू जूजू गया जूजू। सो फाइनली ही इज कॉलिंग। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, क्या हाल हुआ? ठीक है पापा, कहाँ है मम्मी? बेचैन हुए हैं, टॉयलेट का मारा हुआ। मैं कह एशिया की स्टेप पर जा रहा हूँ, गड़बड़ाए गए नंबर। अच्छा, वहाँ पर हाय गाइस, रात के 3 बजने वाले हैं और हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। आई थिंक 3:15 3:30 तक पहुँच जाएंगे। घर पे बोल दिया गया है कि ये आ रहे हैं और घर से लेने के लिए आएंगे, गाड़ी लेके इनको लेने आएंगे, पर साथ में हम लोग भी जा ही रहे हैं। सो अभी सियू तो सो रही हैं, ये जब तक चाहें तब तक सो लें। हम लोग का सब सामान इधर रेडी हो गया है और कुछ सामान जो है वो सब रखना है, सिया सो रही हैं, उसके बाद निकलना है। आधी रात हो गई ना, दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करें। जैसे तैसे मैं व्लॉग को कंटिन्यू रखी हूँ, कैसी भी तो दिख रही हूँ, लेकिन ठीक है, चलो कोई नहीं। कितने मज़े में बैठी हो, हाँ बहुत मजा आ रहा है ना अपनी गाड़ी में सिया? बहुत खुश है। अभी सूजी को नहीं पता है। घर पे जाकर चलो, चलो पापा आएंगे, पापा आएंगे अभी, चलो चलो। यहाँ तक कि आपने वीडियो देख ली है, सो आगे क्या हुआ मैं बताती हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं मुंबई में हूँ, वापस आ गई हूँ, अपना काम रिज्यूम कर लिया है, दिनचर्या चल रही है। पर उस समय क्या हुआ, एक वीडियो जो लास्ट रिएक्शन का जो वीडियो था, मम्मी का पापा का सबका, वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, पर पता नहीं वो 1.5-2 मिनट का वीडियो है, पर पता नहीं वो क्या हुआ, वो करप्ट हो गया वीडियो या क्या हुआ, वो प्ले ही नहीं हो रहा है और वो गैलरी से मेरे जो एडिटिंग ऐप है उसमें रेंडर ही नहीं हो रहा है। मैं उसके लिए बहुत परेशान हुई कि काश हो जाए, जो भी जैसा भी है बस हो जाता, पर वो नहीं हो पा रहा है। सो मेन रिएक्शन तो मैं नहीं आपको दिखा पाई, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं, जिसके लिए ये व्लॉग किया, जिस चीज़ के लिए, हालांकि थोड़ा सा हाथ दर्द होने लगा, हालांकि थोड़ा सा ख़राब हो गया था हमारा वीडियो, क्योंकि ट्रेन लेट हो गई थी, ट्रेन लेट होने की वजह से बताना पड़ा कि ये आ रहे हैं, वरना हम जैसे चाह रहे थे उस तरीके से होता तो शायद और मज़ा आया होता, पर ठीक है, जो भी जैसा भी होता है वो अच्छा ही होता है। सो वो वीडियो मैं इसमें अटैच, मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि कैसे प्ले नहीं हो रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप ये इस वक्त देख रहे हैं, ये बिल्कुल इस तरीके से प्ले हो ही नहीं रहा है। मैं बहुत कोशिश की पर नहीं प्ले हो रहा है। रिएक्शन यही था कि वो लोग बहुत खुश हुए और मम्मी को मिलते ही सिया गई मम्मी को जगाई, मम्मी सो रही थी, सुबह के 3:30 बज रहे थे, तो सिया गई मम्मी को जगाई, तो मम्मी अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरी बहनी, मेरी बिटुआ, ऐसे करने लगी। देन पापा भी खूब ऐसे शॉक में आ गए, लेकिन मम्मी ने बाद में मुझे बताया कि कहीं ना कहीं उन लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग आ रहे हैं, हालांकि हमने बिल्कुल नहीं बताया था कि हम जा रहे हैं। पर एक बार और ऐसे सरप्राइज मैं देना चाहती हूँ,
फ्यूचर में कभी भी दे सकती हूँ मम्मी पापा को। सो या बड़ा मज़ा है यार, घर गए, घर पे सबसे मिलना जुलना, बातचीत करना। और 8-9 महीने बाद मैं गई थी तो सिया के लिए एक प्यार जो इतने दिनों से इकट्ठा था वो सब निकला धीरे धीरे करके मम्मी पापा के दिल से, दिद्दा के दिल से। तो या दिस वॉज इट फॉर दिस व्लॉग, और होप टिल यहाँ तक भी आपने एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अप टू डेट रहूँ, व्लॉग्स को टाइम पे डालूँ। और आप देख भी रहे हैं 15-20 दिन से रेगुलर व्लॉग पड़ रहा है। सो आई नीड योर लव, आई नीड योर सपोर्ट, एंड मैं कुछ करना चाहती हूँ तो उसमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं होगी। यस, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।